हेलो एवरीवन होप यू आर लिविंग ग्रेट सो फर्स्ट ऑफ ऑल विश यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर एंड मे यू ऑल अचीव योर गोल एंड टिक ऑफ़ आइटम्स फ्रॉम योर विश लिस्ट दिस न्यू ईयर एंड जैसे कि आप सभी को पता है आज के दिन न्यू ईयर है हमारा तो यहाँ पे मैं एक पॉजिटिव नोट के साथ स्टार्ट करना चाहूँगी जैसे कि आप सोचते हैं कि हमारा दिन ऐसा जाता है वैसा जाता है या पूरा न्यू ईयर ही ऐसा गया है आपको जो चीज़ें हैं वो डे बाय डे लेके चलनी है इस साल ओके जो भी छोटे छोटे टारगेट हैं वो कंप्लीट करने हैं डेली कंप्लीट करने हैं ऐसे नहीं कि मैं इतने टाइम बाद ये चीज़ें करूँगा ऐसे नहीं होना चाहिए तो वो डे बाई डे होनी चाहिए ये सारी चीज़ें एंड एक और बात कि जैसे कि आप सभी लोग समझते हैं कि आज के दिन मेरा अच्छा दिन है एंड कुछ टाइम बाद जैसे कि समझेंगे कि ये चीज़ मैं उस दिन करूँगा तो मैं खुश होऊंगा ऐसे नहीं होना चाहिए आपको डेली ही दिल से खुश होना चाहिए एंड आपको शुक्रिया अदा करना चाहिए कि हमें ये लाइफ मिली है डेली हम कुछ ना कुछ कर रहे हैं एंड हमें ग्रेटफुल होना चाहिए अपना दिन जो है वो हमेशा पॉजिटिव माइंड के साथ स्टार्ट करना चाहिए एंड ऑलवेज बी ग्रेटफुल टू द गॉड एंड छोटी छोटी चीज़ों के लिए आपको खुश होना चाहिए अगर आप छोटी छोटी चीज़ों में खुशी ढूंढेंगे तो आपकी लाइफ बहुत अच्छी होती चली जाएगी ऐसे नहीं कि ये चीज़ मैं तब कंप्लीट करूंगा तब मैं खुश फील करूँगा तब मेरी लाइफ एक हैप्पी लाइफ में चेंज या फिर कन्वर्ट हो जाएगी ओके okay, ऐसा नहीं होना चाहिए जो भी आपको करना है वो डेली चीज़ें करनी है इन्जॉय करके करनी है एंड इट इज़ ऑल्सो रिटर्न ओवर हेयर दैट राइट इट ऑन योर हर्ट दैट एवरी डे इज़ द बेस्ट डे इन योर एयर आपको डेली ही एक बेस्ट डे लगना चाहिए ओके ऐसे नहीं कि आ, कल कुछ होगा तब हम बेस्ट डे फील करेंगे ऐसा नहीं होना चाहिए डेली ही आपको छोटे छोटे काम करने चाहिए जिसमें भी आपको खुशी मिलती है पढ़ाई करने में खुशी मिलती है या कोई भी आपने जैसे कि टारगेट सेट कर लिया है एक दिन के लिए तो वो टारगेट आप कंप्लीट करके अगर आप सोने जाते हैं बेड पर तो आपको रात में वो चीज़ कितना रिलीफ फील करते हैं आप कि आज मैंने सारी चीज़ें कंप्लीट कर ली हैं या जो भी लाइफ से रिलेटेड हैं आपके आपको जो भी करना है वो आप कर सकते हैं तो आपको ऐसे ही फील करना चाहिए एंड ऑलवेज़ बी ग्रेटफुल टू द गॉड एंड छोटी छोटी चीज़ों के लिए आपको खुश होना चाहिए इस लाइफ के लिए आप जो यहाँ पे रह रहे हैं जिस घर के नीचे रह रहे हैं जो खाना आपको मिल रहा है वो सारी चीज़ों के लिए आपको खुश होना चाहिए ओके

बट इस वीडियो में एक चेंज है जैसे कि हम पहले पूरे थ्योरी वाइज पढ़ते थे बट इसमें हम एम सी क्यू की मदद से ये पढ़ेंगे ये सारे क्वेश्चन देखेंगे पहले एंड उसके ऑप्शन को देखेंगे देन हम डिटेल में जानेंगे उससे रिलेटेड ओके okay? जो भी प्लेसेस हैं न्यूज़ में करंट अफेयर्स में जो भी रही हैं इंपॉर्टेंट प्लेसेज जो कि आपके एग्जाम्स में आ सकती हैं वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंडर ओके सो विदाउट एनी फर्दर विद द टॉपिक विच इज़ प्लेसेज इन न्यूज तो फर्स्ट क्वेश्चन इज सियोम ब्रिज हैज़ बीन इनाग्रेटेड इन विच स्टेट और यूटी जो सीओम ब्रिज है वो कौन से स्टेट या यूटी में अभी रिसेंटली इनाग्रेट किया गया है सो द ऑप्शन आर असम, जम्मू कश्मीर अरुणाचल प्रदेश और पंजाब सो द करेक्ट आंसर वुड बी अरुणाचल प्रदेश ओके इससे रिलेटेड हम इम्पॉर्टेंट बातें जान लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड में तो यहाँ पर हमारा जो आंसर हो जाएगा वो होगा सी विच इज़ अरुणाचल प्रदेश तो हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह उन्होंने ही ये इनाग्रेट किया था अरुणाचल प्रदेश में सियोम ब्रिज ओके okay, एंड ये जो ब्रिज है ये कंस्ट्रक्ट किया गया है बाय द बेल्ट रोड ऑर्गेनाइजेशन विच इज एग्रीवेटेड एज पी आर ओ ओके तो ये ट्वेंटी एट प्रोजेक्ट में से एक प्रोजेक्ट है सियोम ब्रिज तो टोटल जो ट्वेंटी एट प्रोजेक्ट है जो कि मोस्टली है अलॉन्ग बॉर्डर व चाइना जो चाइना है जैसे अरुणाचल प्रदेश यहाँ है एंड जो जो बॉर्डर होता है चाइना के साथ जो, जैसे कि ये जो टोटल ट्वेंटी एट प्रोजेक्ट्स हैं वो मोस्टली बनाए जाएंगे कंप्लीट किए जाएंगे चाइना uh, बॉर्डर के साथ एंड ये जो है ये प्रोजेक्ट्स uh, जो हैं मोस्टली कंप्लीट हो चुके हैं ओके okay? एंड इसमें से क्या क्या इंक्लूड होते हैं इसमें टोटल इंक्लूड होते हैं ट्वेल्व इन लद्दाख ये जो प्रोजेक्ट्स हैं लद्दाख एंड जम्मू एंड कश्मीर फाइव इन अरुणाचल प्रदेश एंड थ्री ईच इन सिक्किम पंजाब एंड उत्तराखंड एंड टू इन राजस्थान तो ये जो सारे ही प्रोजेक्ट्स हैं ट्वेंटी एट प्रोजेक्ट्स ये फाइनली कंप्लीट हो चुके हैं एंड ये कंप्लीट किए गए हैं बाय दी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के जरिए ओके okay? तो आप ये बात याद रखिएगा ये जो सियोम ब्रिज है ये रिसेंटली अभी कंप्लीट कर दिया गया है अरुणाचल प्रदेश में ओके okay? तो ये जो सियोम ब्रिज है इसका मेनली मोटो है टू बेनिफिट द इंडियन मिलिट्रीज़ एबिलिटी टू क्विकली एंड एफिशिएंटली डिप्लॉय ट्रूप्स एंड इक्विपमेंट्स टू द बॉर्डर रेजिमेंट तो जैसे कि आप सभी को पता है कि वहाँ पे जो बॉर्डर एरिया होता है अरुणाचल प्रदेश एंड चाइना का वो काफ़ी रिस्की एरिया होता है एंड वो काफ़ी क्रिटिकल एरिया माना जाता है तो वहाँ पे जो मेनली हमारी जो बी एस एफ फोर्स जो होती है बॉर्डर सिक्योरिटी फ़ोर्स वहाँ पे तैनात कर दी जाती है तो वहाँ पे जैसे कि आर्म्स एंड एम्यूनिशन ले जाने के लिए कोई भी वहाँ पे प्रॉपर वे नहीं था तो उस वे को बनाने के लिए ये सीओम ब्रिज बनाया गया है अरुणाचल प्रदेश में एंड वहाँ पे फिर ये जो हमारी जो इंडियन मिलिट्री है वो वहाँ पे फिर डिप्लॉय कर सकती है अपने ट्रूप्स को एंड इक्विपमेंट्स को एंड जो भी उनको वहाँ पे चाहिए होंगे आर्म्स वगैरह बॉर्डर रीजन्स पर तो वहाँ पे ये लोग वहाँ पे सप्लाई कर सकते हैं ईजिली ओके सो जो सीम्बर दिस पॉइंट सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज विदिशा द फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट फॉर डिप्लॉयमेंट ऑफ इनोवेटिव फाइव जी यूज केसेज इज़ लोकेटेड इन विच स्टेट तो ऐसा कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जो कि फर्स्ट टाइम इम्प्लीमेंट किया है उसने फाइव जी यूज़ केसेस एंड ये जो फाइव जी यूज़ हैं ये ऑफर्ड किया गया है बाई दी स्टार्टअप कंपनीज़ ओके तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा मध्य प्रदेश ओके okay? तो हमारा जो आंसर रहेगा वो होगा बी मध्य प्रदेश तो मध्य प्रदेश में एक डिस्ट्रिक्ट है विदिशा नेम से जिसे अभी बनाया गया है द फर्स्ट एवर डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया फॉरन ग्राउंड डिप्लॉयमेंट ऑफ इनोवेटिव फाइव जी यूज़ केसेज ऑफर्ड बाई स्टार्टअप तो ये ऑफर किए गए हैं स्टार्टअप कंपनीज के जरिए एंड ये एक जॉइंट इनिशिएटिव है बाय विदिशा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन एंड सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स विच इज एवरीवेटेड एज सी डॉट एंड द डिपार्टमेंट ऑफ टेली डॉट ओके तो ये जो 5G जी यूज केसेस है ये इसका जो प्राइमरी फोकस रहेगा वो रहेगा हेल्थ पर एग्रीकल्चर पर डेयरी एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट पर एनि बेनिफिट करेगा विदिशा कम्युनिटी को एज अ होल ओके एंड ये जो बेनिफिट प्रोवाइड करेगा ये इसका जो टाइम पीरियड है वो होगा वन ईयर के लिए एंड ये आगे एक्सटेंड भी कराया जा सकता है ओके एंड दिस डिजिटल सोल्यूशन विल ऑल्सो बी पावर्ड बाय भारत नेट ब्रॉडबैंड टू प्रोवाइड द अनइंटरप्टेड सर्विसेज टू यूजर कम्युनिटीज ऑफ विदिशा तो ये जो है ये पावर किया जा रहा है भारत नेट ब्रॉडबैंड के जरिए भी ओके okay? एंड ये भी इसका इनिशिएटिव है ज्वाइंट इनिशिएटिव है इन दोनों का मिलकर एंड ये जो 5G यूज करने का आइडिया था विदिशा डिस्ट्रिक्ट में तो ये आइडिया दिया गया है फर्स्ट डॉट के जरिए यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ टेली के जरिए फॉर डिप्लॉइंग फाइव जी आई ओ टी मीन्स मीन्स इंटरनेट ऑफ थिंग्स इनोवेटिव सोल्यूशन ऑफ स्टार्टअप एंड एस एम ईज एट विदिशा ओके तो आप ये याद रखिएगा फाइव जी की जो फैसिलिटी प्रोवाइड की जा रही है वो इस डिस्ट्रिक्ट में प्रोवाइड की जा रही है विदिशा डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश ओके सो जस्ट रिम्बर दिस पॉइंट नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज पार्ली वैजनाथ इलेक्ट्रिफिकेशन प्रोजेक्ट विच वॉज रिसेंटली सीन इन द न्यूज़ वॉज अंडरटेकन इन विच स्टेट तो ये जो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा महाराष्ट्र है, इसका पूरा नाम होगा पार्ली वैजनाथ विक्रबाद रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन प्रोजेक्ट तो ये रेलवे से रिलेटेड है विच वॉज रिसेड आफ्टर विच द एंटायर रूट ऑफ टू सिक्स किलोमीटर इज नाउ इलेक्ट्रीफाइड तो ये जो पार्ली वैजनाथ है ये एक सिटी है महाराष्ट्र में तो ये जो प्रोजेक्ट है ये बेनिफिट करेगा द पीपल ऑफ़ तेलंगाना कर्नाटक एंड महाराष्ट्र तो ये पूरी जो है ये इलेक्ट्रिफिकेशन प्रोजेक्ट है तो मतलब जो जो रेलवे रूट होंगी जितनी भी जो भी तेलंगाना कर्नाटक एंड महाराष्ट्र से होते हुए जाएगी वो पूरी इलेक्ट्रिफाइड की जाएगी ताकि उसमें जो यहाँ के लोग हैं वो इजीली ट्रैवल कर पाए तो इसीलिए वहाँ की एक पूरा जो रूट है तेलंगाना कर्नाटक महाराष्ट्र तक तो वहाँ पर ये जो है Project, तो ये total route जो रहेगा, 268 को पूरा इलेक्ट्रीफाइड कर दिया गया है ताकि वहाँ के जो नेटिव्स हैं वो बेनिफिट्स उठा पाए इस ट्रेन के जरिए ओके एंड वो इजिली ट्रैवल कर सकें एक स्टेट से दूसरे स्टेट तक ओके सो जस्ट रिमेम्बर दिस पॉइंट नेक्स्ट क्वेश्चन इज the union ministry of mines announced the lithium reserve were found for the first time in which state or ut so pehli baar jo lithium reserve hai wo india mein kahan paya gaya hai kaun se state mein paya gaya hai kaun se union territory mein paya gaya hai so the correct answer would be c jammu and kashmir to so, jammu and kashmir mein first time lithium reserve paya gaya hai okay तो ये जो न्यूज़ है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ हो जाती है हमारे इंडिया के लिए एंड ये एग्जाम पर्सपेक्टिव से भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि जो फर्स्ट टाइम हमारे इंडिया में जो लिथियम रिजर्व पाया गया है वो पाया गया है जम्मू एंड कश्मीर में अ फर्स्ट इन द कंट्री ओके तो ये जो है ये डिस्कवर किया गया है विद द हेल्प ऑफ जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया उन्होंने ही ये इस्टेब्लिश किया है टोटल 5.9 मिलियन टन ऑफ इन्फरेट लिथियम रिसोर्स इन सलाल हैमाना एरिया ऑफ रियासी डिस्ट्रिक्ट इन जम्मू एंड कश्मीर तो ये बेसिकली आपसे पूछ लिया जा सकता है कि रिसेंटली अभी कौन से स्टेट में ये पाया गया है कौन से डिस्ट्रिक्ट में पाया गया है लिथियम रिजर्व तो ये है रियासी डिस्ट्रिक्ट इन जम्मू एंड कश्मीर ये आप याद रखिएगा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है एंड ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है ये जो रिजर्व है फर्स्ट टाइम जो पाया गया है लिथियम रिजर्व ये हमारे इंडिया के लिए एक बूस्टर की तरह साबित होगा जो कि बूस्ट करेगा द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ रिचार्जेबल बैटरीज फॉर इलेक्ट्रिक कार्स स्मार्टफोन्स एंड लैपटॉप्स एंड कट इंडिया डिपेंडेंस ऑन लिथियम इंपोर्ट तो जो हम अभी के टाइम में जो भी बैटरी से रिलेटेड मोबाइल फ़ोन से रिलेटेड जो भी चीज़ें हम लेते थे खरीदते थे इंपोर्ट करवाते थे अपने इंडिया में वो बेसिकली आती थी चाइना से सबसे ज़्यादा लार्ज लेवल पर तो अब वो कम हो सकती हैं आगे के टाइम में हमारी जो डिपेंडेंस हैं उनके ऊपर दूसरे कंट्रीज के ऊपर तो वो कम हो जाएगी क्योंकि ये बहुत ही बड़े लेवल पर ये लिथियम रिजर्व पाया गया है जम्मू एंड कश्मीर में इन द रियासी डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ओके सो जस्ट रिमेंबर दिस पॉइंट तो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन होगा महीम फोर्ट विच वॉज रिसेंटली सीन इन न्यूज इज लोकेटेड इन विच स्टेट और यूटी तो ये जो महीम फोर्ट है ये रिसेंटली देखा गया है न्यूज़ में देखा गया है तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ए महाराष्ट्र महाराष्ट्र में ये महीम फोर्ट पाया गया है तो महाराष्ट्र में ये जो है ये महीम फोर्ट है इसके बारे में और हम देख लेते हैं आगे तो ये जो महीम फोर्ट है ये सिचुएटेड है इन द महीम बे इन मुंबई महाराष्ट्र एंड दिस एट हंड्रेड ओल्ड फोर्ट इज करेंटली बींग डेवलप बाय द ब्रिया मुंबई मुंसिपल कॉरपोरेशन एज अ टूरिस्ट डेस्टिनेशन तो रिसेंटली ये टूरिस्ट डेस्टिनेशन पाई गई है डेवलप की गई है ब्रिया मुंबई मुंसिपल कॉरपोरेशन के थ्रू एंड ये जो है ये माना जा रहा है कि ये जो फोर्ट पाया गया है ये महीम फोर्ट 800 हंड्रेड ईयर्स ओल्ड पुराना फोर्ट है एज पर बी एन सी द डिसडेंट्स ऑफ द किंग बिम देव हुटेब्लिश हिस्स किंगडम मही कौती अपेरेंट और नॉर्थ कोंकण बेल्ट ऑफ महाराष्ट्र तो इसकी जो सही लोकेशन है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं एंड ये बनाया गया था बिटवीन 1140 एंड 1241 के बीच में ओके सो जस्ट रिमेंबर दिस पॉइंट तो रिसेंटली जो महीम फोर्ट है वो रिसेंटली डेवलप किया गया है पाया गया है एज अ टूरिस्ट स्पॉट तो वो है महाराष्ट्र मुंबई में ओके नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर इज माउंट अन्नपूर्णा सिचुएटेड ये अभी न्यूज में रिसेंटली थी तो ये सिचुएटेड है किस कंट्री में तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाता है वो होगा बी नेपाल ओके तो आप याद रखिएगा नेपाल में ही ये माउंट अन्नपूर्णा है तो ये रिसेंटली अभी न्यूज़ में क्यों रहा है ये हम देख लेते हैं सो द करेक्ट आंसर वुड बी बी नेपाल द माउंट अन्नपूर्णा सिचुएटेड इन द अन्नपूर्णा माउंटेन रेंज ऑफ गंडकी प्रोविंस ऑफ नेपाल तो ये गंडकी प्रोविंस में आता है नेपाल में एंड इट इज़ द टेंथ हाइएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड एट एट थाउजेंड नाइन्टी वन मीटर्स अब दी लेवल ओके तो ये जो माउंटेन है ये रिसेंटली इसलिए था क्योंकि जो हमारे जो इंडियन माउंटेन क्लाइंबर हैं अनुराग मालो हु इन टू अ डीप तो ये जो है ये गिर गए थे एक डीप क्रिवास में ऑन द माउंटेन अन्नपूर्णा तो उन्हें रिसेंटली uh, माना जा रहा था कि वो मिलेंगे नहीं एंड उनकी जो सर्च है वो जारी थी बट रिसेंटली ये अभी अ लाइव फाउंड किए गए हैं इन क्रिटिकल कंडीशन बाई रेस्क्यूअर्स ओके तो ये जो है इसीलिए ये जो माउंट अन्नपूर्णा है ये रिसेंटली न्यूज़ में था हमारे जो माउंटेन इंडियन माउंटेन क्लाइंबर हैं अनुराग मालो तो वो मिसिंग हो गए थे वो गिर गए थे एक डीप क्रेवास में ओके उन्हें अभी रिसेंटली अलाइव फाउंड कर लिया गया है रेस्क्यूअर्स के ज़रिए ओके तो आप याद रखिएगा ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है न्यूज़ फ्रॉम एग्जाम पर्सपेक्टिव से नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज ककड़ापार अटोमिक पावर प्रोजेक्ट इज बींग कंस्ट्रक्टेड इन विच स्टेट और यूटी तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ए गुजरात तो ये रिसेंटली न्यूज में था ये हम देख लेते हैं तो आंसर वुड बी ए गुजरात एंड ये इंडिया का पहला डोमेस्टिकली डेवलप्ड सेवन हंड्रेड मेगावाट न्यूक्लियर पावर रिएक्टर हैं जो कि लोकेटेड हैं एट दी ककरापर एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट इन गुजरात ओके एंड एक बात और याद याद रखिएगा ये जो ककरपर टॉमिक पावर प्रोजेक्ट है ये ऑपरेट किया जाता है बाय द न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड विच इज एव रिवेटेड एज एन बी सी आई एल एंड रिसेंटली अभी क्या हुआ है इन्होंने कमेंट्स किया है कमर्शियल ऑपरेशन करना कमर्शियल ऑपरेशन सिंपली मीन्स विद रिगार्ड टू अट सर्व अ जनरेटर टू हैव बिगन टू प्रोड्यूसटीम गैस और अदर हीटेड मीडियम यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी फॉर सेल और यूज़ इंक्लूडिंग टेस्ट जनरेशन ओके तो ये जो ककर पर एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट है इन्होंने रिसेंटली कमर्शियल ऑपरेशन स्टार्ट कर दिए हैं अब ये स्टार्ट कर सकते हैं अ यूनिट डेट सर्व अ जनरेटर ओके एंड ये बिगेन कर सकते हैं टू प्रोड्यूस स्टीम गैस और अदर हीटेड मीडियम एंड उसके ज़रिए ये जनरेट uh, कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी फॉर सेल और यूज़ अब मतलब ये कमर्शियली ऑपरेशन कर सकते हैं एंड उसको अगर वो जो चीज़ें हैं वो जो भी कंडक्ट करते हैं जो भी प्रोड्यूस करके बनाते हैं इलेक्ट्रिसिटी वगैरह तो उसको बाद में वो सेल भी कर सकते हैं और किसी और काम में भी ले सकते हैं इंक्लूडिंग द टेस्ट जनरेशंस एज वेल ओके तो आप याद रखिएगा इसीलिए ये न्यूज़ में था एंड दिस न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड इज़ बिल्डिंग

मेगावाट पावर प्लांट्स ओके तो आप याद रखिएगा, ये जो डेटा है ये भी बहुत ही ज्यादा न्यूज में हो जाता है एंड ये गुजरात से रिलेटेड है तो आप समझ ही सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट हो सकती है ये न्यूज ओकेस्ट क्वेश्चन इज अल हकीम बी अम्र मॉस्क इज लोकेटेड इन विच कंट्री तो ये रिसेंटली अभी न्यूज में था ये मॉस्क बहुत ही ज्यादा फेमस हुई थी ये न्यूज एंड ये जो है ये मॉस्क जो है अल हकीम बी अम्र मॉस्क तो ये जो है ये Uh, इसका आंसर होगा डी इजिप्ट ये जानते हैं हम क्यों न्यूज़ में था नेक्स्ट स्लाइड में तो ये जो मॉस्क है ये इसलिए न्यूज़ में था क्योंकि वहाँ पर इजिप्ट में हमारे जो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी हैं उनका जो टूर था वो शेड्यूल किया गया था इस मॉस्क में भी एंड ये जो मॉस्क है ये सिचुएटेड है एरो इजिप्ट ठीक है तो ये जो इसकी जो मॉस्क की लोकेशन है ये आपसे पूछ सकता है किसी भी एग्जाम्स में मैच द एज अ मैच द फॉलोइंग तो ये जो है अल हकीम बी अमर अल्लाह मॉस्क तो ये हमारे जो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी हैं वहाँ पे इन्होंने विजिट किया था एंड ये है कैरो इजिप्ट में ओके एंड इट इज़ नेम आफ्टर द अल हकीम बी अमर अल्लाह नाइन एटी फाइव टू वन हंड्रेड ट्वेंटी वन के मिड में इसको नेम दिया गया था द दिक्कसटीन फ़ातिमित खलीफा तो वहाँ के जो रिलीजियस रूलर हैं उनका नेम था ये एज द फोर्थ ओल्डेस्ट मॉस्क इन इजिप्ट एंड द सेकेंड लार्जेस्ट इट होल सिग्निफिकेंस हिस्टोरिकल एंड आर्किटेक्चरल इम्पॉर्टेंस ओके रिमेंबर दिस पॉइंट नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज सुबानसरी लोअर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट हैज़ बीन बिल्ट इन विच स्टेट तो सुबानसरी जो हाइड्रो सुबानसरी जो एक लोअर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है वो कौन से स्टेट में बिल्ट किया गया था सो द आंसर वुड बी ए अरुणाचल प्रदेश एंड असम ओके एंड ये रिसेंटली न्यूज़ में क्यों था वो हम देख लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड में तो ये जो एन एच पी सी है विच स्टैंड फॉर नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड हैज सक्सेसफुली कंक्लूडेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ द डैम फॉर द सुबानसरी लोअर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट तो ये जो प्रोजेक्ट कंडक्ट किया गया था तो ये फाइनली कंप्लीट हो चुका है अरुणाचल प्रदेश एंड असम में एक नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन ने ये सुबानसरी लोअर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बनाया है एंड ये जो प्रोजेक्ट है ये इसकी जो कैपेसिटी रहेगी वो रहेगी टू थाउजेंड मेगा वॉट विच इज़ वेरी ह्यूज एंड इट सिचुएटेड इन बोथ अरुणाचल प्रदेश एंड असम आपको लगेगा कि ये एक ही स्टेट में है बट नहीं ये दोनों के बीच में ही है ये सिचुएटेड ओके अरुणाचल प्रदेश एंड असम के मिड में ओके सो जस्ट रिमेंबर दिस पॉइंट एज वेल नाउ दिस इज गोइंग टू बी द लास्ट क्वेश्चन क्वेश्चन एस टेन सिल्कियारा टनल which was seen in the news is located in which state so the correct answer is b uttarakhand okay silk kyara tunnel आपने बहुत ही इसके बारे में सुना होगा अभी रिसेंटली न्यूज़ में रहा है ये तो ये रिसेंटली अभी न्यूज़ में इसलिए रहा है क्योंकि ये जो टनल थी ये जो silk kyara tunnel थी वो अभी वो कोलैप्स कर गई थी इसीलिए ये न्यूज़ में है वहां का ये जो कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा था है इस silk kyara tunnel का जो कि उत्तराखंड में है एंड तो उसके अंडर जैसे ही ये कोलैप्स करी तो उसके अंडर फोर्टी वर्कर्स क्राफ्ट हो गए थे इन द अंडर कंस्ट्रक्शन सिलकियारा टनल इन उत्तराखंड एंड वहाँ पे फिर रिलीफ एंड रेस्क्यू ऑपरेशन चलाए गए फॉर बींग मेड टू सेफली वैक्यूटेड द वर्कर्स फ्रॉम द टनल ओके एंड ये जो टनल थी ये अंडर कंस्ट्रक्शन थी मीन्स ये बनाई जा रही थी वो कलेप्स कर गई थी फ्रॉम सिल किराारा ऑन द ब्रह्मकाल यमुनोत्री नेशनल हाईवे इन उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट ऑफ द स्टेट तो अगर आपसे इसकी जगह पूछी जाए इसकी लोकेशन पूछी जाए तो ये उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड में थी तो कि जो कि ये अंडर कंस्ट्रक्शन टनल थी ओके एंड द टनल इज अ पार्ट ऑफ ट्वेल्व थाउजेंड कर चार धाम ऑल वेदर रोड प्रोजेक्ट तो वहां से जो चार धाम यात्रा के लिए लोग चारों धाम पे जाते थे तो इस टनल के जरिए वो लोग सारी जगह जा सकते थे चारों धाम की यात्रा कर सकते थे बट वो रिसेंटली अभी कोलैप्स हो गई है इसी वजह से ये न्यूज़ में थी बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में थी ट्रेंडिंग टॉपिक रहा है ये रिसेंट का तो आपसे ये पूछ लिया जा सकता है ये उत्तराखाशी डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड में थी ये ओके okay, तो so आप याद रखिएगा सारी चीज़ें ओके okay, एंड ये चार धाम यात्रा से रिलेटेड थी एंड आप याद रखिएगा ओके सो जस्ट रिमेम्बर ऑल दीज पॉइंट्स रिलेटेड टू दीज प्लेसेज एंड न्यूज़ ये आपसे पूछ ही जा सकते हैं किसी भी एग्जाम्स में एंड ये बहुत ही फेमस प्लेसेस रही हैं जो कि न्यूज़ में थी चर्चा में रही थी ओके okay? so this is the end of a topic and i hope you found this video informative and if you found this video informative please give it a thumbs up and for more informative videos please like share and subscribe to my channel which is shiva study education and thanks for watching bye bye take care i'll see you in the next one